भारत में एक बार फिर से दूध की नदियां बहें और इसका स्रोत बने भारत की स्वदेशी दुधारू गाय और भैंस की नस्लें, जैसे साहेवाल, हरियाणा और मुर्रा भैंसें। यही उद्देश्य है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। ये मिशन केंद्रीय कृषि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये मिशन राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ मिलकर चलाया जाता है और पशुपालकों को उत्तम तकनीकों से लेकर धनराशि तक उपलब्ध कराई जाती है। कई पशुपालक हैं जो इस मिशन का अंग बनकर भारतीय पशुपालक उद्योग को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं पानीपत हरियाणा में स्थित गोलू डेयरी फार्म के मुख्य संरक्षक नरेंद्र कुमार, जो एक उच्च कोटि के दुधारू पशु विक्रेता के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा तैयार किए गए भैंसे गोलू और शहनशाह तो भारतीय डेयरी उद्योग की शान है। इसके 2002 में मैंने गोलू जोटा का तैयार किया था, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस था और लगातार 29 बार पूरे इंडिया और स्टेट का चैंपियन रहा। उसके बाद मैंने कई भैंसे खरीदी, जैसे रानी लक्ष्मी वगैरह वगैरह खरीदी, जो कि वह पूरी इंडिया में मशहूर रही। उनसे आज हमारे पास लगभग 20-30 उनकी कटिया है, जिससे उनसे पैदा होकर आज हमारे पास लगभग 100 के आसपास एनिमल हैं। इन्हें राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न के पुरस्कार से 1 जून 2017 को सम्मानित किया गया था।